वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं प्रवीण। पिछले लेसन में हम लोगों ने देखा था कि रूट ऑन सिक्स मेजर कॉर्ड कैसे होते हैं। इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि रूट ऑन फाइव मेजर कॉर्ड्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पांचवें स्ट्रिंग के नोट्स याद कर लेते हैं। ओपन है ए, ए के बाद पहला फ्रेट आता है ए शार्प, फिर बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, F sharp, G, G sharp, A। आपने फिर से नोटिस किया होगा कि जो ओपन है वही मेरा 12वां फ्रेट का नाम वही है। 12th फ्रेट के बाद आगे से नोट्स फिर से रिपीट होते हैं उसी ऑर्डर में। ये A है, A sharp, B एंड सो ऑन। और एक बात आपने नोटिस की होगी कि जो B है उसके बाद डायरेक्टली C है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था पिछले लेसन में। B शार्प फिजिकल नोट नहीं होती, B के बाद C आता है और E के बाद F आता है। ये नोट्स आप याद कर लो तो आपको आसानी होगी। अभी सबसे पहले देखते हैं कि रूट ऑन फाइव मेजर कॉर्ड का शेप कैसे होता है। आप लोगों को पता होगा या फिर याद होगा कि ए मेजर, जो ओपन पोजीशन का ए मेजर है, उसका शेप ये है। तो शेप सेम रहेगा, बेसिकली ये ऐसा है। अगर आप बार कॉर्ड्स के हिसाब से सोचने जाओ तो शेप मेरा ये था। रूट मेरा फिफ्थ स्ट्रिंग पे है ए, और ये यहाँ पे बार का काम नट कर रहा था, तो इसलिए ये ए मेजर था। अभी आपको एक फ्रेट आगे उसको लेके जाओ तो ये हो गया ए शार्प मेजर, बी मेजर, सी मेजर। अभी ये शेप होल्ड करने से आगे के जो शेप्स हैं वो होल्ड करने में दिक्कत होती है, जैसे कि यहाँ पे ये तीन फिंगर एक साथ नहीं बैठ पाते, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं बैठेंगे। तो उसके लिए ये एक टेक्निक है, ये जो ये तीन नोट्स है वो मैं ये इस लास्ट उंगली से प्रेस करता हूँ जिससे कि मुझे ये शेप मिलता है। मेरी ये उंगली फ्लेक्सिबल है, इसके लिए मैं ये यूज़ करता हूँ लास्ट फिंगर। मेरी ये उंगली फ्लेक्सिबल नहीं है, इसके लिए मैं ये नहीं करता हूँ। कोई कोई व्यक्ति होते हैं जिनकी ये उंगली फ्लेक्सिबल होती है तो वो ये इसका उपयोग कर सकते हैं, मैं ये करता हूँ। सो इसका उपयोग करने से आप यहाँ तक उसको प्ले कर सकते हो। सो फिर से एक बार सी से चालू करते हैं। ये हो गया सी, सी मेजर, सी शार्प मेजर, डी मेजर, डी शार्प मेजर, ई मेजर, एफ, F sharp, G, G sharp और A। अभी देखते हैं कि माइनर का शेप कैसे होता है। A माइनर जो ओपन पोजीशन में है सेम शेप है, बार कॉर्ड के हिसाब से देखो तो ये बेसिकली ऐसा था, सेम शेप।
यहाँ बार लगा दिया, रूट ऑन 5 ए, दैट इज ए माइनर। सो एक फ्रेट आगे में ले आया, ए शार्प या फिर बी फ्लैट माइनर, बी माइनर, सी माइनर, सी शार्प माइनर, और आगे की आप ट्राई कर लीजिए। अभी देखते हैं कि सेवेंथ डोमिनेंट सेवेंथ कॉर्ड का शेप कैसे होता है। ए सेवन आपको याद होगा ये था, तो वही शेप है। बार कॉर्ड्स के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा। तो ये था मेरा ए सेवन, एक फ्रेट आगे ले आया, ए शार्प सेवन, बी सेवन, सी सेवन, सी शार्प सेवन, और आगे आप ट्राई कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि माइनर सेवन कॉर्ड्स का शेप कैसा होता है। ये था ए माइनर सेवन, जो कि बेसिकली ये है, ए माइनर सेवन, एक फ्रेट आगे ले आया, ए शार्प माइनर सेवन, बी माइनर सेवन, सी माइनर सेवन, और आगे। ये जो शेप है ये सस कॉर्ड का शेप है, ये ए शार्प सस से एक फ्रेट आगे ले गए, बी सस, सी सस, और आगे। ये शेप होल्ड करने में आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसमें स्ट्रेच थोड़ा ज़्यादा है, इसको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। पिछले लेसन को मिला के अभी हम लोगों ने इस सीरीज़ को कंप्लीट किया है, जो कि बार कॉर्ड्स शेप को याद करने का एक तरीका है। होपफुली आपको ये लेसन पसंद आया है, और लेसन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।